राजा नेमी थे मिथिला के राजा, वहाँ नाम मिथिला नहीं था, जयंतपुर था, राजा नेमी थे। नेमी सोचे कि अपने पिता इक्ष्वाकु के नाम पर एक यज्ञ करूँ बहुत बड़ा। उस यज्ञ के लिए उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को। अब देखो ब्रह्म ऋषि अखिल जो तुम कहते तपस्या से, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ कहे कि ठीक है, डेट तिथि दे दिया गया कि हम फलां दिन को आएंगे। जब वह ठीक तिथि आई तो उनका खबर आया कि मैं जो यज्ञ कराने इंद्र के यहाँ जा रहा हूँ, त्रिविष्टक स्वर्ग कैलाश जा रहा हूँ, वहाँ से खाली होकर आऊँगा, तुम्हारा यज्ञ करूँगा। अब जो है राजा नेमी, यह अपनी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में है और महाभारत में भी आया। अब जब यज्ञ का टाइम आया तब गौतम और भृंगु जागवल के सब ऋषियों ने तय किया कि नहीं, तिथि मुहूर्त पर ही यज्ञ होना चाहिए। वशिष्ठ जब चले गए स्वर्ग में यज्ञ करने के लिए तो ये आएंगे तो बिगड़ेंगे, इसलिए उनका दक्षिणा पूरा जो होता है निकाल कर रख दीजिए, वशिष्ठ के नाम लिख कर लगा कर वहाँ रख दीजिए, वो अपना दक्षिणा के लिए झगड़ा करेंगे। और अभी गौतम को वशिष्ठ के जगह पर नियुक्त कीजिए ब्रह्मा और शुरू किया जाए। सब ऋषियों ने यज्ञ शुरू कर दिया, राजा नेमी के यज्ञ शुरू हो गई। जब राजा नेमी के यज्ञ पूर्णाहुति हो रहा था तो ये स्वर्ग में पूर्णाहुति करके उधर से ही ना आएंगे, तो लोग कैलाश गया है, नेपाल होकर ही ना आएगा, नेपाल होकर के ही आए तो वह हिमालय के तराई में पहले था जयंतपुर, वहाँ यज्ञ देखे कि तो पूर्ण हो रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। तब वशिष्ठ को क्रोध आ गया और देखे कि हमारे आसन पर जो हमारा होता होता है उस पर यह बैठे हैं गौतम ऋषि बैठे हैं यज्ञ कराने के लिए, तो उन्होंने क्रोध से कहा कि राजा को बुलाओ, हमारे अब्सेंट में यह यज्ञ क्यों हुआ। देखो ब्रह्म ऋषि लोगों कह रहे हैं, डिग्री तपस्या का डिग्री, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के संतो सहज समाधि भले, सहजे में सहजे सहजे सब गया, सहजे मिले रघुराई। सहज हो जाओ, जो हमने प्रेम साधना से कराया है तुम लोगों को, जो करोड़ों वर्ष में इनको नहीं प्राप्त होता है तुमको उस साधना से तुरंत मिल जाता है और अहंकार विदा हो जाता है। आज मैं फोन किया, एक बहुत बड़ा सिद्ध आदमी की फोन उसका आया था, हम कहने कहो जी कैसे हो, तो कहा कि अभी गुरु जी कोई मिलता है तो हमको क्रोध आ जाता है, अभी मैं क्रोध से पागल हो रहा हूँ। तुम्हारी सिद्धि की क्या हाल है, सिद्धि तो मैं बहुत हो गया है, जो कहता हूँ वही हो रहा है, सिद्धि से वही हो रहा है लेकिन क्रोध पर अभी नहीं हुआ था। नहीं अच्छा, देखो यह क्रोध बहुत भारी है, क्रोध तुमको सिद्धि से नहीं जाती। अब देखते हैं ब्रह्म ऋषि की बात बता रहे हैं, सुने कि राजा जो है अभी व्यस्त हैं, किसी काम में आ रहे हैं, लोगों ने उनके कहा कि आप बैठिए, उच्चासन दिया गया बैठाने के लिए, लेकिन इतने क्रोध में पागल हूँ कि राजा देर कर रहा है, जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ कि उसका शरीर छूट जाए। यह बात उचित है, यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है, सब ऋषि लोग घेरे, हम महाराज जी क्या श्राप दे दिए, ऐसा क्यों श्राप दे दिए, बहुत पुण्यात्मा राजा है, धर्मात्मा रखता है, इक्ष्वाकु वंश का है, राजा नेमी है, और हम ऋषि लोग निर्णय किए हैं, आपका जो है दक्षिणा रखा गया है, दक्षिणे के लिए ना आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों दे दिया, मैं तो श्राप दे दिया आप क्रोध से शरीर छूट जा। राजा नेमी आ रहा था रास्ता में, ऋषियों ने कहा कि आपको श्राप दे दिया, आए कहा कि ऋषिवर बिना पूछे जाने मुझे श्राप दे दिया, मुझे जम के यहाँ भेज दिया, चलो मैं तुम्हारा श्राप तो स्वीकार कर दिया, जल लाओ मैं इसका देखता हूँ। इसको प्रतिश्राप कहा गया है शास्त्रों में, राजा को नहीं देना चाहिए श्राप, राजा को बहुत गंभीर होना चाहिए, इसीलिए प्रतिश्राप कहा गया है। राजगद्दी पर वही कहा था कि तुमको 10 गाली देके लिए तुम चुप मौन रहो, हाथी को हराही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन राजा ने यही प्रथम प्रतिश्राप दिया है। वह भी जल मंगाया और जल लिया और इसको मंत्र पढ़ता भेजा कि तुम्हारा शरीर शीघ्र छूट जाए, वशिष्ठ का भी श्राप तत्काल छूट गया। और नेमी भी छोड़ दिया शरीर, वशिष्ठ श्राप शरीर छोड़ दिए तो वायु रूप जो होता है, हम लोग जो पितृ का यातना करता है, पितृ वायु के रूप में घूमता है, इसीलिए एक ही शरीर होता है पितर को वायु रूप, इसीलिए वायु रूप पित्राय नमः कहा जाता है, वायु रूप में होता है पितृ, एक ही शरीर वायु का एक तत्व होता है, इसीलिए मनुष्य को 5 तत्व कहा है तुम श्रेष्ठ हो, देवताओं को भी 3 तत्व होता है, 5 तत्व वाला मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य अपने को सबसे कमजोर समझ लेता है,
वायु रूप ग्रहण करके चले गए अपने पिता ब्रह्मा से, कहे कि हम बिना शरीर के रह नहीं सकते हैं, बिना शरीर का हमको कष्ट है, आप मुझे शरीर प्रदान करिए। उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ वरुण मित्र और वरुण के यहाँ जाओ, उनके संपर्क से जन्म ले लो। मित्र और वरुण अभी गया है, रुक जाओ, आगे तुम लोग अपने कल्पना कर लो। वे जब मित्र वरुण के हैं गए, मित्र और वरुण दो हैं, दोनों का संबंध उर्वशी से हुआ था, इसीलिए शास्त्र पुराण कहता है मित्र वरुण पुत्र वशिष्ठ, मित्र और वरुण का, इसलिए डिसाइड नहीं हुआ कि ये मित्र और वरुण। मित्र कहते हैं सूर्य को, वरुण कहते हैं जल के देवता को, दोनों क्षत्रिय कहा गया है शास्त्र में। उसके रूप में वशिष्ठ जन्म ले लिए, मित्रा वरुण, इसीलिए वशिष्ठ का नाम जो राम के समय में थे, यह मित्रा वरुण वशिष्ठ हैं। पिता तो हुआ मित्र वरुण दो, और माँ हुई उर्वशी, लेकिन फिर जो है पुरोहित कर्म में रखा गए राम के समय में। इधर जो ऋषियों ने यज्ञ समाप्त किया, इनके लाश को जो है ठीक ठाक रखा था, फिर इसी लोग सब भृंगु वगैरह सब प्रसन्न होकर कहे आ कि राजन आपकी चैतन्य शरीर यहीं पर घूम रही है, आपके चैतन्य शरीर को हम आमंत्रण कर रहे हैं कि शरीर में प्रवेश करिए, यदि नहीं प्रवेश करेंगे तो हम सब ऋषि मिल करके बलात्कार आपका शरीर में प्रवेश करा देंगे। इधर राजा नेमी कहे कि मैं बिना शरीर के कारण शरीर महाकारण शरीर में आनंद में हूं, शरीर दुख का कारण है, मैं आना नहीं चाहता हूं। देखो तुम लोग कहते हो तपस्या ब्रह्म ऋषि, यह सब ब्रह्मा के दिया हुआ है, इसीलिए रामायण में तुलसीदास भी इशारा किए हैं, गुरु बिन भवन तरे न कोई, बिरंज शंकर समझो होई, ब्रह्मा और शंकर को दाव पर लगाए। तो ये कह दिए कि मैं नहीं आना चाहता हूं शरीर में, कहा कि अरे तुम वशिष्ठ तो आ गया शरीर में, आना चाहता है, तुम क्यों नहीं आना चाहते हो? कहा कि मैं महाकारण शरीर में हूं, मैं योग युक्त हूं, मैं नहीं आऊंगा। कहा कि तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यह नियम नहीं है, राजा को अपना उत्तराधिकारी देकर के शरीर छोड़ना चाहिए। कहा कि मैं किसी का जिम्मा नहीं लिया, राज चले मत चले मैं इसी में रहूंगा। बहुत देवताओं ने भी आकर, देवता लोग भी स्वर्ग से आ गए, देवता और ऋषि लोग, यह सब वाल्मीकि रामायण में है, बहुत प्रार्थना करने लगे, प्रेशर देने लगे, कहा कि असंभव मैं नहीं आ सकता हूं। तब कहां रहोगे? कहा कि मैं सब मनुष्यों के भ्रिकुटी पर रहूंगा, भौवें के ऊपर रहूंगा। मतलब समझ लो, तुम लोग अक्सर जो है भ्रूर मध्य ध्यान करता है, यही आत्मा का निवास है, मतलब कि समझ लो मैं जोग के रूप में आत्मा के रूप में, इस जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय देश तिष्ठ अर्जुना, मैं हृदय देश में रहा हूं, उन्होंने कहा कि जोगियों को भ्रिकुटी पर रहूंगा। यह जोग युक्त बात कही ना उन्होंने, और कहा कि ठीक है, देवता लोग कहा ठीक है तुम रहो, तुम मुक्त हो और रहो निवास करो, लेकिन हम लोग तुम्हारा खानदान चलाएंगे, यज्ञ हो तुम्हारे ऐसा महात्मा, तुम्हारे ऐसा धीर वीर गंभीर और धर्मज्ञ दानी महात्मा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे खानदान को छोड़ने तोड़ने नहीं देंगे। कहा कि आप लोग जो उचित हो करो। सब देवता और ऋषि धड़ाधड़ आकर के मीटिंग करने लगे, और उनका शरीर का मंथन हुआ, कमर के भाग का जो मंथन हुआ उसे एक पुरुष निकला, काला कलूटा हमरे तरह निकला काला, इसलिए कहा ऋषियों ने कहा तत्र निषिद्ध से निखाद बन गया, निषाद, काला कलूटा होता है ना, निषाद। कहा कि बड़ा भाई है तुम राजा के अभिलायक नहीं, वहीं बैठ। फिर जो है छाती के हृदय का भाग का मंथन हुआ, उसे जो निकला सुंदर निकला, तुम लोगों की तरह सुंदर सुलोना लड़का निकला। कहा कि हाँ यह जो है जनक, माने जनक माने पिता होता है, पिता के शरीर से निकला हुआ जनक है, इसीलिए वह जनक कहलाता है, और जहाँ से वह शरीर का मंथन हुआ उस जगह का नाम मिथिला पड़ा। अब समझ गया, मंथन से मिथिला पड़ा, इसीलिए मिथिला जो है सदैव ब्रह्म ज्ञानियों का जगह रहा है, और हर समय जो है बाई ब्रथ जो है वह जनक ब्रह्म ज्ञानी रहा है, इसीलिए वह मिथिला के क्षेत्र में क्रमकांड की मान्यता नहीं दी गई है, यज्ञ की मान्यता नहीं दी गई है। तब से वशिष्ठ जो है मिथिला से आंतरिक द्वेष रहने लगा कि यह जो हमारे श्राप प्रति श्राप से हुआ है ना, और तब से मिथिला जो है या मिथिला में के तरह बिहार में ही उपनिषद का अवतरण हुआ है, वाल्मीकि रामायण का हुआ है, और जो है बहुत पुराणों का हुआ है,
और वे लोग जो हैं आत्मज्ञान की तरफ गए। इसीलिए वही क्षेत्र जब आत्मज्ञान का प्रौढ़ क्षेत्र था, इसीलिए वहां भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और जैनियों के 24 तीर्थंकर जो केवल आत्मा को ही माने और आत्म में प्रवेश किए, इसलिए वह क्षेत्र जो है आत्मज्ञानियों का धनी माना गया। तो यह हम कह रहे थे, तो देखो यह जो है तथा कही तपस्या का फल, तुम लोग ब्रह्म ऋषि तपस्या और पुनः शरीर धारण किए और वह मिथिला, तुम मिथिला वंशी यहाँ पर आया भी है। तो यह हमने कहा तो यह समझ गया कि तपस्या नहीं, आप लोगों को जो गुरु देता है उपदेश उसके अनुसार उसमें लगे रहिए और श्वास श्वास में जाप करिए, सहज बने रहिए। सहज जब बने रहिएगा तो सेवा कीजिएगा, सुमरण कीजिएगा और आप में क्रोध नहीं आएगा। कि जितना तपस्या कीजिएगा उतना क्रोध आएगा, काम आएगी, मोह आएगा, लोभ आएगा। किसी को श्राप दीजिएगा, किसी को आशीर्वाद दीजिएगा, श्राप दिया तो भी तुम्हारा तपस्या गया, आशीर्वाद दिया तो भी गया, दोनों तरफ से जाना ही जाना है।